एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में स्पेशल सेल सदर्न रेंज के इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर पवन कुमार की एक टीम ने कुख्यात रोहित चौधरी गैंग के शार्प शूटर सत्येंद्र उर्फ सत्ते को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी एक ऑडियो के वायरल हो जाने के बाद हुई है, जिसमें सत्ते एक दूसरे अपराधी अजय गुर्जर से AK-47 की मांग करता सुनाई दे रहा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि गिरफ्त में आया सत्येंद्र उर्फ सत्ते तिहाड़ जेल में पिटाई की वजह से मारे गए कैदी अंकित गुर्जर की मौत का बदला लेना चाहता था। वो तिहाड़ जेल के एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर हमला करना चाहता था। कुछ समय पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें सत्येंद्र उर्फ सत्ते अपने एक साथी अजय गुर्जर से AK-47 राइफल लेने के लिए कह रहा था। सत्येंद्र हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था। गैंगस्टर सत्येंद्र उर्फ सत्ते एक शार्प शूटर है। यह गैंगस्टर रोहित चौधरी गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसकी प्रिंस तेवतिया गैंग से कट्टर दुश्मनी है। यह तिहाड़ जेल में अंकित गुर्जर की मौत का बदला लेने के लिए तिहाड़ जेल के एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था। शार्प शूटर सत्येंद्र उर्फ सत्ते कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुर्जर का भी सहयोगी है। दिनांक 4 अगस्त को तिहाड़ सेंट्रल जेल नंबर 3 में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मृत्यु हो गई थी। अंकित गुर्जर के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। मृतक गैंगस्टर अंकित गुर्जर के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि जेल स्टाफ की पिटाई से उसकी मौत हुई है। इस संबंध में थाना हरिनगर में तिहाड़ जेल नंबर 3 के कर्मचारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में FIR दर्ज की गई है। स्पेशल सेल सदर्न रेंज की एक टीम ऑडियो कॉल पर बात करने वाले दोनों कॉलर्स को आइडेंटिफाई करने के काम में लगी हुई थी। 10 दिनों से अधिक एफर्ट्स के बाद आखिरकार टीम के हाथ सफलता लग गई। कॉल करने वालों की पहचान सत्येंद्र उर्फ सत्ते और अजय गुर्जर के रूप में हुई। जांच टीम ने दोनों आरोपियों की मूवमेंट्स पर नजर रखनी शुरू कर दी। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार को इन्फॉर्मेशन मिली कि 17 अगस्त की देर शाम सत्येंद्र उर्फ सत्ते के चिराग दिल्ली में पार्क के पास अपने किसी गैंग मेंबर से मिलने आ रहा है। पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। रात करीब 9:15 आउटर रिंग रोड चिराग दिल्ली पर सत्येंद्र उर्फ सत्ते आता दिखाई दिया। स्पेशल सेल टीम ने बड़ी फुर्ती के साथ उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से 3.2 बोर की एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। सत्येंद्र उर्फ सत्ते के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंटेरोगेशन के दौरान सत्येंद्र उर्फ ने खुलासा किया कि अपने सहयोगी अंकित गुर्जर की मौत का बदला लेने के लिए उसने तिहाड़ सेंट्रल जेल नंबर 3 के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। उसने हरियाणा पलवल के अपने एक साथी अजय गुर्जर के साथ अपना प्लान डिस्कस्ड किया था। दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में अपना वर्चस्व बनाने के लिए सत्येंद्र उर्फ ने अजय गुर्जर का AK-47 अरेंज करने को कहा था। गिरफ्तार सत्येंद्र उर्फ दक्षिणी दिल्ली के कुख्यात रोहित चौधरी गैंग का एक्टिव सदस्य है। रोहित चौधरी गैंग की प्रिंस तेवतिया गैंग से जबरदस्त रंजिश चल रही है। 6 मई 2019 को सत्येंद्र उर्फ सत्ते ने अंकित गुर्जर, रोहित चौधरी और अन्य के साथ मिलकर साकेत इलाके में अपने दुश्मन प्रिंस तेवतिया गैंग के सदस्य प्रिंस की अंधाधुंध गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन्होंने क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रिंस को मार डाला था। सत्येंद्र उर्फ अपने साथियों के साथ दक्षिण दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर्स, सट्टा ऑपरेटर्स, बुकीज और बिल्डर्स को धमकाकर उनसे पैसे वसूल करता था। गिरफ्तार सत्येंद्र उर्फ सत्ते एक खूंखार अपराधी है जो दिल्ली में हत्या, डकैती, स्नैचिंग, चोरी, आपराधिक धमकी, साजिश और आर्म्स एक्ट आदि सहित 20 से अधिक क्रिमिनल वारदातों को अंजाम दे चुका है। सत्येंद्र उर्फ सत्ते 16 जुलाई 2021 को प्रिंस मर्डर केस में 3 महीने की इंटरिम बेल पर बाहर आया था। अंकित गुर्जर की जेल में मौत के बाद सत्येंद्र उर्फ सत्ते काफी गुस्से में था। उसने तिहाड़ सेंट्रल जेल नंबर 3 के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच डाली। सत्येंद्र उर्फ सत्ते से आगे की पूछताछ जारी है। उसके साथी को पकड़ने के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।